ओके सो हे गाइस दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का पर्णपीजी का न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस आप लोगों ने ये वाला पोस्ट पर्णपीजी का देख लिया होगा इंस्टाग्राम पे। तो गाइस आप लोगों का क्या होता है कि जब भी कोई मतलब कि नया क्रिएटर अपना फोटो को पोस्ट करता है, आप लोगों को डीएम आना स्टार्ट हो जाता है कि भाई हमें इसका कॉन्सेप्ट चाहिए। और गाइस जैसा कि मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है गाइस मैं आप सभी के लिए वीडियो बना के एंड अपलोड कर देता हूं। जैसे गाइस आज ये वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। तो गाइस आप लोगों को बस ज्यादा कुछ नहीं करना है गाइस, बस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है। एंड गाइस इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट मतलब बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले करना है गाइज आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। देन गाइज जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड गाइज यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है। तो गाइज जैसे कि मैंने पर्णपीजी का मॉडल ले रखा है, तो गाइज मैं इसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। एंड गाइज आपको भी कुछ इसी टाइप से अपनी फोटो को मतलब इसी टाइप से पोज में आपको अपनी फोटो क्लिक करवा लेना है। देन गाइज उसका बैकग्राउंड रेस करके आपको सिंपली यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप इसको ऐड कर लिया है, अब गाइस यहाँ पे आपको जो साइज वगैरह अपने हिसाब से देख लेना है। एंड गाइस उसके बाद आपको शेडो वाला ऑप्शन लेना है। एंड गाइस उसके बाद आपको उसकी पोजीशन जो है आपको गाइस कुछ इस टाइप से इतनी ही रखनी है, ठीक है। एंड जो ये दूसरे वाला है एंड इसको भी आपको कुछ अराउंड इतना ही रखना है, ठीक है। तो गाइस आप देख लेना गाइस अपने हिसाब से, आप मतलब कि यहाँ पे आपको सेटिंग दिख रही होगी यहाँ पे जितना मैं रख रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ इस टाइप से इतना रख लेना है। एंड उसके बाद जो गाइस बैकग्राउंड में शेडो जो है गाइस वो इसी टाइप से बनानी है आपको, अगर आपको कोई और तरीका ही पता है तो गाइस आप उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप शेडो बना लेना। एंड गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको ऐड करना है गाइस एक पीएनजी, ठीक है, जो कि ये जो मतलब कि जो सनफ्लावर का जो पीएनजी है गाइस, ठीक है, सर्कल वाला। तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं पहले। सो इसको हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आपको गाइस पहले इसको फुल स्क्रीन करना है, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद गाइस कुछ स्टेप से इतना ही साइज रखना है, ठीक है। आप मैंने बैकग्राउंड के हिसाब से पीएनजी बना रखा है। तो गाइस आपको अपने मॉडल में गाइस कुछ स्टेप से इसको अटैच करवाना है। जैसे गाइस देखिए यहाँ पे मैंने पर्णपीजी को लिया। एंड इसके बाद गाइस देखिए आपको इजीली गाइस अपने जो अपना आपका जो मॉडल इसको यहाँ पे इसे टच करवाना है, यानी कि इसके हिसाब से आपको अपने मॉडल का जो साइज़ है वो बैकग्राउंड में इतना ही रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आपको रेज़र टूल में जाना है। एंड गाइस उसके बाद अगर आपका कोई एरिया रह गया हो तो आपको उसको रेज कर लेना। जैसे गाइस देखिए यहाँ पे इसने पर्णपीजी ने यहाँ पे रिंग लाइट पकड़े फोटो क्लिक करवाई थी, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको यार यहाँ पे मतलब कि रह चुका है, तो इसको हम यहाँ पे सिंपली रेज कर लेते हैं ताकि जो है ये इस पार्ट की वजह से कहीं हमारी फोटो बेकार ना लगे, है ना। तो यही छोटी छोटी चीज़ें कभी कोई हम मिस्टेक कर देते हैं और रह जाती है, और बाद में लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भाई ये तो अपनी रेज ही नहीं किया ढंग से। तो गाइस आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ अगर पकड़ के फोटो क्लिक करवाते हो तो उसको रेज करना मत भूलना, ठीक है। सो इतना हो जाने के बाद गाइस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अभी गाइस डन नहीं करना है आपको, गाइस सनफ्लावर के पीछे गाइस बनानी शेडो। वो गाइस कैसे बनानी है, आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको लेना ब्लैक कलर का पीएनजी। एंड गाइस अगर आप इस तरीके से शेडो बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बना सकते हो, अदरवाइज जो अभी मैंने आपको इससे पहले जो तरीका बताया बैकग्राउंड में मॉडल के पीछे शेडो बनाने के लिए, आप उस तरीके से भी शेडो बना सकते हो, ठीक है। तो दोनों मतलब कि दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, आपकी मर्जी है, जो उन सा ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप उस ऑप्शन से आप अपनी अपने इसके पीछे आप शेडो बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना हो जाने के बाद शेडो बनाने के बाद आपको फिर आगे क्या करना है गाइस वो मैं बताता हूँ। पहले गाइस मैं यहाँ पे फटाफट से शेडो बना लेता हूँ। सो गाइस शेडो बनने के बाद आपको सिंपली डन कर देना है। देन गाइस जाना आपको ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को ये विग्नेट का पीएनजी। एंड उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करना है। एंड गाइस कुछ स्टेप्स इसको ऐड कर देना है यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस अगर आप फेस स्मूथ एंड बाकी चीज़ें अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, एंड नहीं आता तो गाइस उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का, तो आप देख लेना। बाकी गाइस आपको लाइटर में अपने फोटो को ऐड करने के बाद आपको जाना है स्लाइड वाला ऑप्शन में। एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, हाईलाइट है जो गाइस इसको थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे हम, ठीक है। फिर जो शेडो है इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा कम करेंगे, एंड जो व्हाइट है इसको हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, एंड जो ब्लैक है नीचे आपको उसको थोड़ा कम करना है। एंड जाना आपको यहाँ पे फिर कलर्स वाले ऑप्शन में, फिर इसका थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन बढ़ाना है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करना है। फिर जाना आपको मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन माइनस करना है, एंड उसके बाद ल्यूमिनस बढ़ाना अपने फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जाना है यहाँ से येलो कलर में। एंड गाइस यहाँ पे आप सनफ्लावर का कलर आप ऑरेंज रख सकते हो एंड येलो रख सकते हो, तो आपके ऊपर है, आप रख लेना दोनों में से जो मर्जी हो। फिर उसके बाद गाइस इनका जो ग्रीन पार्ट है आपको गाइस जो आप रखना चाहो ग्रीन रखना चाहो ग्रीन रख सकते हो, येलो रखना चाहो तो येलो रख सकते हो। एंड गाइस उसके बाद ब्लू कलर में जाके अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए होगा अपनी फोटो में तो आप उसका सैचुरेशन माइनस कर देना। मुझे यार हल्का सा इसमें ज़्यादा लग रहा था, उसको मैं यहाँ पे कम कर लूँगा एंड ह्यू को थोड़ा बढ़ा दूंगा। फिर यहाँ पर डन करेंगे। एंड उसके बाद जाएंगे ऐसे नीचे वाले टूल में, फिर यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे क्लियरिटी फोटो की,
एंड फोटो में डालेंगे हल्का सा विग्नेट एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ मिलेगा हमें ग्रेन माउंट, हम इसको बढ़ा देंगे एंड उसके बाद जाएंगे हम से हम नीचे वाले टूल में, फिर यहाँ पे हम बढ़ाएंगे फोटो की शार्पनेस एंड इसके नीचे बढ़ाएंगे हम नोड रिडक्शन एंड उसके नीचे बढ़ाएंगे हम कलर नोड रिडक्शन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारी फाइनल फोटो जो यहाँ पे एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।